आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, द क्वेश्चन इज द लाइंस x इज इक्वल टू ए वाई माइनस वन दैट इज इक्वल टू जेड माइनस टू एंड जेड इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू इक्वल टू बी जेड माइनस टू। ठीक है, ए बी नॉट इक्वल टू जीरो है, आर कोप्लेनर, कोप्लेनर है यानी कि इनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब इनको सबसे पहले किस में लिख लेते हैं, कार्टीजियन फॉर्म में। ठीक है, कार्टीजियन फॉर्म में लिखते हैं इनको सबसे पहले, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस जीरो डिवाइडेड बाय वन दैट इज इक्वल टू y माइनस वन बाय ए डिवाइडेड बाय वन बाय ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर a से डिवाइड करोगे ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इक्वेशन बन जाएगी दैट इज इक्वल टू z माइनस टू डिवाइडेड बाय वन। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे, सेकेंड इक्वेशन आएगी हमारी x माइनस जीरो डिवाइडेड बाय वन दैट इज इक्वल टू y में क्या डिवाइड करेंगे, थ्री से डिवाइड करेंगे y में, तो ये आ जाएगा हमारा y माइनस टू बाई थ्री डिवाइडेड बाय कितने से आएगा, वन बाई थ्री से। ठीक है, तो ये आ गया वन बाई थ्री से दैट इज इक्वल टू z माइनस z, इसमें किससे डिवाइड करेंगे, b से, तो हो जाएगा माइनस टू बाई बी और डिवाइड में कितना आएगा, वन बाई बी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कोप्लेनर के लिए, फॉर कोप्लेनर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आता है, ए टू माइनस ए वन दैट इज इक्वल टू बी टू माइनस बी वन, और ये थर्ड रो में क्या आएगा, सी टू माइनस सी वन। ठीक है, यहाँ पे आएगा एल वन एम वन एन वन एम वन एन वन, और लास्ट रो में कितना आएगा, एल टू एम टू एन टू एम टू और एन टू। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, ज़ीरो। ए टू माइनस ए वन तो ज़ीरो आएगा क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, ए टू भी ज़ीरो है और ए वन भी ज़ीरो। देखो यहाँ पे ज़ीरो माइनस ज़ीरो तो ये आ गया ज़ीरो। ठीक है, और बी टू माइनस बी वन कितना आएगा, टू बाई थ्री माइनस वन बाय ए, तो ये आ जाएगा यहाँ पे टू बाई थ्री माइनस वन बाय ए। थर्ड वन क्या है, सी टू माइनस सी वन, तो ये हो जाएगा, ये कितना आएगा, टू बाई बी माइनस टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे टू बाई बी माइनस टू, टू बाई बी माइनस टू। ठीक है, ऐसे ही एल वन एम वन एन वन लिख देंगे, इसके रेशियोज़ होंगे, डायरेक्शन रेशियोज़ फर्स्ट वाली लाइन के वन वन बाय ए, और यहाँ पे आ जाएगा वन। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड वाली रो के, सेकेंड वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ वन वन बाय थ्री और वन बाय बी। ठीक है, अब हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है फॉर कोप्लेनर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो ये तो जीरो ही आएगा, इससे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारा टू बाई थ्री माइनस और वन बाय ए ब्रैकेट, यहाँ पे प्लस या माइनस और यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में वन बाय बी माइनस ऑफ वन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्या आएगा, प्लस टू बाय बी माइनस ऑफ टू ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट वन बाय थ्री माइनस ऑफ वन बाय ए। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो हमारा आ जाएगा माइनस टू बाई थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री और नीचे आ जाएगा बी। ठीक है, और फिर माइनस टू बाई थ्री माइनस वन से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस टू बाई थ्री। ठीक है, अब अगेन प्लस वन बाय ए को करेंगे वन बाय बी से, तो आ जाएगा वन बाय ए बी। ठीक है, वन बाय ए को करेंगे माइनस वन से, तो माइनस वन बाय ए। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे प्लस टू बाय थ्री बी। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस टू टू बाय ए बी। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस टू बाय थ्री प्लस टू बाय ए दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम अब एलसीएम ले लेते हैं ए बी का, तो यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, माइनस टू बाय थ्री बी प्लस टू बाय थ्री बी से एंड टू बाय थ्री माइनस टू बाय थ्री
और बचेगा हमारा, और बच गया हमारा खाली यहाँ पे 1 बाय ए बी माइनस 1 बाय ए माइनस 2 बाय ए बी, ये लिख लेते हैं, एंड माइनस 1 बाय ए और प्लस 2 बाय ए प्लस 2 बाय ए, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी, जब हम यहाँ पे 1 माइनस 2 दैट इज़ माइनस 1 बाय ए बी, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस 1 बाय ए दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी ए को कॉमन ले लेते हैं 1 बाय ए को, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 बाय बी प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे, ए की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे, ए की वैल्यू दैट इज इक्वल टू, ए की वैल्यू बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 0। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, और बी की वैल्यू यहाँ पे से निकाल लेंगे माइनस 1 प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे 1। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 1, तो हमारा यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी की वैल्यू 1, ए बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट, आर एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।